कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन मिर्जा सलीम साहब का बहुत मशहूर हूँ। जो मुझे दो हफ्ते पहले फोन पर कहा था कि इस इतवार को जो है सहाफ़ियों के एतराफ़ में जो है तकरीर का एहतमाम किया जाएगा, बाद में नई भाई ने भी फोन पर कहा था कि इस इतवार को जो है सहाफ़ियों के लिए मीडिया के एजाज़ में खासतौर पर जापान प्रेस क्लब जो है इंटरनेशनल के एजाज में एक तकरीर का एहतमाम किया जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई है कि कश्मीर काउंसिल ऑफ पीपल्स पार्टी जो है सहाफ़ियों को इस तरह सराहती है, उनके कामों को उनकी हालतों को इस तरह सराहती है, बहुत सुनाई मांगते हैं और हमें समझा कि इसका सिला मिला था साफियों को या जो घर चला रहे हैं उनको इसका सिला मिला था अगर कोई इस तरह इधर बसता है। दूसरी बात जो ये मुमताज़ की बात कहती है आदमी बहुत ज़्यादा कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम क्योंकि रमज़ान की आमद से पहले पहले कर लिया, शायद उन्हें खदशा था कि साफी जो शैतान के ज़ुमरे में आते हैं कि रमज़ान बंद ना हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जैसे रमजान ने बताया कि ये हर एक जो है किसी का भी फुल टाइम जॉब किया है, माशाल्लाह वो अपनी जॉब करते हैं, 24 साल में अपने बिजनेस करते हैं, शाहिद है, तो ये भाई है, मैं हूँ, शेख मयाज है, इनाम है, अब नोबी है, सब जो अपने भी जॉब करते हैं, जरिए मुआवजे का मुख्तलिफ है। लेकिन ये जो वक्ती काम है इसमें क्या होता है किसी को लालच पैसे की लालच नहीं है बल्कि मोहब्बत की, लोगों की मोहब्बत की, कम्युनिटी की और दीगर में इसमें कोई पैसे पैसे कमाने वाला कोई भी कमाने वाला सिस्टम है। मेरा ख्याल है आप किसी भी वेबसाइट पे इशारा देखते हैं लेकिन वो इशारा की प्राय नाम है, वो तिमोची के तौर पर है, किसी का फिक्स नहीं कि आप इतने लोग हैं इतने लोग तिमोची के तौर पर देखते हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। जॉब करने के बावजूद अगर दूर दराज इलाके में जापान में किसी भी इलाके में तकरीब का एहतमाम किया जाता है किसी भी किस्म तकरीब हो उसमें यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करके जाते हैं, हाईवे में खाते हैं, टाइम में खाते हैं, सबसे बड़ी बात जापान में टाइम है। मिसाल के तौर पर जॉब करता हूँ तो अगर मैं 2 घंटे अगर जॉब पर जल्दी छोड़ जाता हूँ ओवर टाइम छोड़ता हूँ तो वो ओवर टाइम अगर 2 घंटे जा रही है एक घंटे में 2 घंटे जा रही है, मैं वो छोड़ के आता हूँ तो ये वेब पे उसको मैं कंप्लीट कर पाता हूँ 2-3 घंटे, यानी कि सीधे सीधे मेरी जेब से हर रोज 5-6 हज़ार जो है मतलब उसके मन में जा रहे हैं। फिर नींद की कमी आप देखे होंगे हाथी जो अंदर हुई है पांडे की तरह हो गई है, तो उधर 4-5 घंटे जो है मैं तो मेंटेन करने में लगते हैं। जैसे कि मुमताज़ ने बताया कि अबूबर ऐसे लोग होते हैं एक फ़ोन कर दिया कि रसिल भैया ने खबर लगाती है बाद में ऐसे उन्हें भूल गए, इसलिए मेरी कोशिश होती है भैया भेजिए कुछ भी लिखिए, भेजिए डेट लिखिए, टाइम लिखिए और कहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि उसकी खबर ही मिल जाए। फिर भी अब ये पिछले 3-4 साल में देखो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है लोगों में ना, तो लोग जब अगर लिख के फैक्स करते हैं या ईमेल करते हैं या स्कैन करते हैं तो काफ़ी मतलब शौर आए इस फील्ड के अंदर लोगों में, तो इस तरह का हमारा काम और मजीद आसान हो गया शायद। तो बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर साफी का या घर जो घर से जब जापान में चल रही है उसका मेन मकसद जो है ये होना चाहिए कि कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा यकजा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर गुमराही किया जाए, यूनाइटेड किया जाए और आपस की लड़ाइयाँ ना की जाए। जैसे मिसाल के तौर 2-4 ऐसी वहाँ या जैसे कि चर्चा चल रही है उनका बाइकाट किया जाए, उसका बाइकाट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके अगर किसी की जगह पकड़ी उछाली जा रही है तो किसी को फोन करके मत बोले कि यार आप उसको देख रहे हो वाली साइड देखा जरा वाली साइड देखा उसको ये देखा उसके लिए लगा हुआ है, प्लीज़ आज ये सब वादा ये करें कि कोई भी फंड जो है अगर ऐसी साइंस की नज़र से गुजर जाए उसको दोबारा क्लिक ना करें और उसकी पब्लिसिटी को मजीद किसी को ना करें, इस तरह क्या होता है उन लोगों को शेयर मिलती है। और अमूमन ये भी देखा गया है उसमें तकरीबन कम्युनिटी में जितने शुक्र हो गए उन लोगों के कपड़े उतारे गए, लेकिन ये देखा गया है जिसकी तस्वीरों में से उतार दी गई वो खुश हो गया और जिसकी लग रही है उसको फोन करके वो कह रहा है, तो भाई ऐसा नहीं कल तुम्हारा लिखेगा परसों उसका लिखेगा, वो नरसाती मरीज है, ये लोगों को टोटली इग्नोर किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए, उन्हें बेहतरीन इलाज चाहिए। दूसरी बात ये कम्युनिटी में ऐसा बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए, पीपल्स पार्टी है आज पीपल्स पार्टी है और जैसे कश्मीर पॉलिटिक्स है दोनों मुख्तलिफ हैं, आज दोनों एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, कल ऐसा कुछ ही करें कि मुस्लिम लीग के साथ में बैठे, फिर मुस्लिम लीग वाले कुछ करें तहरीक इंसाफ वाले के साथ बैठे, इसी तरह साफियों का एक किरदार होता ही है
कि वो सब लोग कमेटी के साथ लेके चलते हैं और सबको मतलब सबके अगर कोई बतरादा चल रहा है बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी के वो उसको हल करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ मीडिया का सबसे बड़ा मेन किरदार ये है, इसको ये करना चाहिए। तो मैं बहरहाल आज फिर इस पार्टी में खूबसूरत तकलीफ का नई बराई का मिर्जा खरीद का मुख्तार का राणा आमिर का हाजी इब्राहिम खान साहब का और तमाम दोस्तों का बहुत मशहूर हुए कि उन्होंने ये खूबसूरत इतना अच्छा जो इवेंट जो है इसका इनका करके सबको खुशी का एक मौका फराहम किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के कीमती फैलाद जो है वो आपने सुने, लेकिन एक बात की जो है वो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये रमज़ान में भी अवेलेबल है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर पाकिस्तानी एनएच के उर्दू वर्ल्ड के न्यूज़ एडिटर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी